अपने ब्लॉग के लिए एक अच्छा डोमेन नेम कैसे चूज करें, डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने ब्लॉग के लिए एक अच्छा डोमेन नेम चूज कर सकते हैं, ब्रांडेबल, रिमेम्बरेबल एंड एक प्यारा सा क्यूट सा डोमेन नेम। तो चलिए देखते हैं, लेकिन उससे पहले अनाउंस करते हैं अपनी पिछली वीडियो के विनर, जिन्हें मिलते हैं मेरी बुक और एक कंसल्टेशन कॉल विद मी एब्सोल्युटली फ्री, एंड द विनर इज हियर। अगर आप भी क्वालिफाई करना चाहते हैं तो ड्रॉप द कमेंट, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड आई विल अनाउंस द विनर इन द नेक्स्ट वीडियो। तो चलिए जानते हैं कि अच्छा डोमेन नेम कैसे सिलेक्ट करते हैं। सबसे पहली बात, जो भी आपका निश है, अगर आपने निश रिसर्च नहीं की है अब तक तो आप मेरी पिछली वीडियो को देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जो भी आपका निश है, एग्जाम्पल लेते हैं न्यूट्रिशन का, तो जो भी आप निश फाइनल करते हैं, सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आप जो भी आप डोमेन नेम लेना चाहते हैं, आपका डोमेन नेम आपकी मार्केट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ना कि आपके निश के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल, हमने डिस्कस किया था निश या फिर न्यूट्रिशन फॉर मॉम। तो अगर आप इन फ्यूचर अपने ब्लॉग को स्केल करना चाहते हैं, अभी आप न्यूट्रिशन पर लिख रहे हैं, लेकिन अगर आपको न्यूट्रिशन फॉर मॉम्स पर ना लिख के इन फ्यूचर आपको एवरीथिंग अबाउट न्यूट्रिशन लिखना है, तो आपको ध्यान में रखना है कि आपको डोमेन नेम सिर्फ एक पर्टिकुलर ऑडियंस के लिए नहीं लेना। एग्जाम्पल, nutritionformoms.com, आपको ये ना लेके आपको nutritionsuccess.com या न्यूट्रिशन से रिलेटेड कुछ लेना है। इसका रीजन ये है कि जब आप न्यूट्रिशन फॉर मॉम्स कैटेगरी को कवर कर लेंगे तो आपको ब्लॉग स्केल करना है। तो अगर आप न्यूट्रिशन फॉर मॉम्स अभी से ले लेंगे तो आप इन फ्यूचर ब्लॉग को स्केल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये चीज आपको सबसे पहले ध्यान में रखनी है कि हमें जो डोमेन लेना है वो मार्केट के अकॉर्डिंग लेना है या फिर सब मार्केट के अकॉर्डिंग लेना है, निश के अकॉर्डिंग नहीं लेना, ठीक है। और अगर आप ब्लॉग को स्केल नहीं करना चाहते, कहने का मतलब है कि आपका निश पहले से ही इतना ब्रॉड है कि आप उसको फर्दर स्केल नहीं करना चाहते, तो आप अपने निश के अकॉर्डिंग डोमेन नेम ले सकते हैं। जैसे कि मेरा एग्जाम्पल है masterblogging.com, मेरा ब्लॉग ब्लॉगिंग के बारे में है, मैं इसको डिजिटल मार्केटिंग का ब्लॉग स्केल नहीं करना चाहता, तो इसलिए मैंने अपने डोमेन में लिया है ब्लॉगिंग टर्म masterblogging.com। मुझे ब्लॉगिंग के बारे में ही लिखना है। लेकिन अगर आपको सिर्फ ब्लॉगिंग के बारे में नहीं लिखना, आपको डिजिटल मार्केटिंग का ब्लॉग बनाना है, तो आप ब्लॉगिंग से रिलेटेड डोमेन नेम ना लें। दिस इज द फर्स्ट थिंग। अब बात करते हैं कि जब आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको किस चीज के रिलेटेड डोमेन नेम सर्च करना है, तब आप एक अच्छा डोमेन नेम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो गाइज, हमारे पास एक बहुत अच्छी वेबसाइट है जिसका नाम है लीन डोमेन सर्च, ठीक है। आप गूगल पर सर्च कीजिए लीन डोमेन सर्च, यहां से हम एक अच्छे डोमेन नेम फाइंड करेंगे। तो मैं एग्जांपल लेता हूं अपने पिछले एग्जांपल का, न्यूट्रिशन हमारा निश है, ठीक है। तो यहां पे आप लिखिए न्यूट्रिशन, या जो भी आपका निश है, जो भी जिस पर भी आप डोमेन नेम फाइंड करना चाहते हैं। अब देखिए, यहां से आपको बहुत सारे ऐसे आइडियाज मिल जाएंगे जो आप इजिली पिक कर सकते हैं और उस पर अपना ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है एक अच्छे डोमेन को फाइंड करने में, लेकिन आप देखिए यहाँ पे आपके सामने बहुत सारे एग्जांपल्स आ गए हैं। तो देखते हैं कि कोई अच्छा सा डोमेन यहाँ से मिल जाए हमें, न्यूट्रिशन बर्ड। देखिए, डोमेन नेम ऐसा लीजिएगा जो आपके निश को एक्सप्लेन भी करे, लेकिन थोड़ा सा फनी हो, थोड़ा सा रिमेमरेबल हो, जिसको एक बार सुनते ही दिमाग में बैठ जाए, याद हो जाए। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जैसे ये है nutritionmint.com, तो ये छोटा डोमेन नेम है, टू वर्ड्स का ही है, इजी टू रिमेम्बर है, इजी टू प्रोनाउंस है, इसे बोलना आसान है, समझाना आसान है, स्पेलिंग इसकी इजी है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। इस टाइप के डोमेन आपको देखने हैं, ठीक है। कुछ एग्जांपल लेते हैं, देखिए nutritionpie.com, nutritionroll.com, ठीक है। इस टाइप से आपको डोमेन्स मिल जाएंगे, अगर आप थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे इस साइट पर तो आपको इजिली यहां से डोमेन नेम्स मिल जाएंगे। एक और आपको एक एडवाइस देता हूं कि जब मैं अपने ब्लॉग का डोमेन नेम सर्च कर रहा था, मुझे चाहिए था लर्न ब्लॉगिंग, ठीक है, लेकिन learnblogging.com अवेलेबल नहीं था। तो मैंने क्या किया, मैंने लर्न का सिनोनिम फाइंड किया, ठीक है। तो ऐसे ही आप अपने
टर्म्स के सिनोनिम्स फाइंड कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ से सिनोनिम मिला था मास्टर, तो मैंने लर्न ब्लॉगिंग को बना दिया मास्टर ब्लॉगिंग। देखिए अब यहाँ पे मास्टर, तो इस टाइप से मैंने अपना डोमेन नेम डिसाइड किया था मास्टर ब्लॉगिंग, जो कि एक अच्छा खासा ब्रांडेड डोमेन नेम है। तो गाइज दिस वॉज माई स्मॉल वीडियो फॉर यू, जिससे आप एक अच्छा डोमेन नेम बना सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, जो बोलने में आसान हो, लिखने में आसान हो। और एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, डोमेन नेम आपका ऐसा होना चाहिए कि जब आप किसी को फ़ोन पर बताएं, इसे बोलते हैं टेलीफोनिक टेस्ट, ठीक है। अगर आप किसी से फ़ोन पर बात कर रहे हैं, उसका आप डोमेन नेम बता रहे हैं, तो वो डोमेन नेम ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले बंदे को एक बारी में ही समझ में आ जाए कि आपने क्या बोला है। अगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड डोमेन नेम है तो वो सुनने में अजीब लगता है, याद करने में अजीब होता है। और सेकेंड चीज, आपके डोमेन नेम में टू अल्फाबेट्स एक साथ नहीं आने चाहिए, जैसे कि स्मॉल लेटर SMALL, फिर लेटर भी L से स्टार्ट हो रहा है LETER। तो एंडिंग अल्फाबेट और स्टार्टिंग अल्फाबेट अगर दो एक साथ आ रहे हैं तो वो लिखने में बड़ा अजीब लगता है। तो इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको एक अच्छा डोमेन नेम फाइंड करने में काफी हेल्प मिलेगी। तो गाइज ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आने वाली वीडियोस की अपडेट्स पाने के लिए। तो मिलता हूं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।